नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर में। और ये वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली। इस वीडियो में मैं आपके लिए आज लेके आया हूँ 11 ऐसे स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और अपनी बुक वैल्यू के नीचे मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे बुक वैल्यू क्या है, बहुत से लोगों को बुक वैल्यू मालूम होगी, बट जिन लोगों को बुक वैल्यू नहीं पता है उनको मेरा ही कोशिश रहती है कि बिल्कुल एक लेमैन की तरह, बच्चे की तरह सिखाया जाए। गाइस, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली की मास्टर क्लासेस ऑन है, बुकिंग्स ऑन। अगर आप चाहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाए, स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बनाया जाए, प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह कैसे सोचा जाए, कैसे काम किया जाए, तो आप दिल्ली की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक दिन की पावरफुल मास्टर क्लास होने वाली, जहां सुबह 9 बजे लगे शाम को 6 बजे तक पूरे दिन सीखेंगे कि बाजार में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, कौन सी स्ट्रेटजी लगानी चाहिए, कैसे बाजार को रीड करना चाहिए और कैसे हम ऑप्शंस में पैसा बना सकते हैं, कैसे इक्विटी में पैसा बना सकते हैं, सब चीज सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो कौन से ऐसे 11 स्टॉक्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में क्या आपको अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए और क्या वाकई उनकी बुक वैल्यू हमें एक्साइट कर रही है, आर दे अंडर वैल्यूड राइट नाउ। सबसे पहले चलते हैं गूगल के पास में, सीखते हैं कि अगर कोई वर्ड हमारे सामने आता है स्टॉक मार्केट का, उसका मतलब कैसे निकाला जाए। तो सपोज कीजिए मुझे नहीं मालूम बुक वैल्यू क्या होती है, तो मैं गूगल के पास जाके सिर्फ लिखूंगा व्हाट इज बुक वैल्यू इन स्टॉक मार्केट। कोई भी अच्छी वेबसाइट का एक लिंक आएगा, उस पर कोई ना कोई डिफिनेशन मिल ही जाएगी। देखिए ऐसे काम करना चाहिए, साफ साफ पहले लिंक पे लिखा हुआ है द बुक वैल्यू ऑफ ए स्टॉक इज थियोरेटिकली द अमाउंट ऑफ मनी दैट वुड बी पेड टू शेयर होल्डर्स इफ द कंपनी वॉज लिक्विडेटेड एंड पेड ऑफ ऑल इट्स लाइबिलिटीज। मतलब अगर कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, कंपनी को बंद कर दिया जाए, बेच दिया जाए, सारी लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दी जाए, तो शेयर होल्डर्स को क्या पैसा मिलेगा वो उसकी बुक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बुक वैल्यू किसी शेयर की 100 रुपये है, तो कंपनी का सारे डेब्ट लाइबिलिटीज को बेच के खत्म कर दे, तो अगर वो कंपनी बंद हो रही है, सब कुछ बेच दिया जाए कंपनी का, तो आपके शेयर होल्डर्स को वो कम से कम 100 रुपीज पर शेयर के जरूर मिलेंगे। सो एज अ रिजल्ट द बुक वैल्यू इक्वल्स द डिफरेंस बिटवीन द कंपनीज टोटल एसेट्स एंड द टोटल लाइबिलिटीज। सिंपल है, जितने एसेट्स हैं, जितनी लाइबिलिटीज हैं, उनका डिफरेंस होता है बुक वैल्यू। तो अगर कुछ शेयर्स बुक वैल्यू से कम मिल रहे हैं, तो हो सकता है वो अंडर वैल्यूड हो और हो सकता है वो एक्साइटिंग हो प्राइसेस, तो आप अपने पोर्टफोलियो में उसको डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं और देखते हैं क्या उनकी बुक वैल्यू है और क्या उनका चार्ट कह रहा है। तो इस वीडियो को बहुत ही डिटेल में देखना, क्योंकि इसके अंदर में उनके चार्ट्स को भी देखने वाले हैं, हम उनके फंडामेंटल्स भी देखने वाले हैं। तो एक एक स्टॉक के ऊपर कम से कम 2 से 3 मिनट लगाएंगे, तो मोटा मोटा जो वीडियो है 20 से 25 मिनट का होने वाला है। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को देखिएगा, नहीं तो कम से कम डाउनलोड करके रख लीजिएगा, वॉच लेटर में डालिएगा। जब सोने लगेंगे तो आधा घंटा इस वीडियो को जरूर दीजिएगा गाइस, क्योंकि हो सकता है ऐसे ही स्टॉक्स की वेट कर रहे हो, तलाश कर रहे हो। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सर पहले मैं आपको लिस्ट बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे कमेंट सेक्शन में जाएंगे कि वो स्टॉक्स के नाम लिख के दे देंगे, पर वो स्टॉक्स है क्या, पूरी डिटेल में डिस्कस करने के लिए अगर आप वीडियो को देखेंगे तो बहुत मजा आने वाला है। दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है BHEL, दूसरा नाम है इंडिया पोस्ट हाउसिंग फाइनेंस, तीसरा है कैनरा बैंक, चौथा है RBL बैंक, फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, LIC हाउसिंग फाइनेंस, पंजाब नेशनल बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, RECL लिमिटेड एंड ONGC। गाइस जिन लोगों को शॉर्टकट चाहिए था उनको ये 11 नाम दे दिए, जाइए अपनी स्टडी की। जो लोग डिटेल देखना चाहते हैं कि क्या ये स्टॉक उनको एक्साइट कर रहे हैं, क्या ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आ रही हो तो अभी लाइक प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है ऐसे कंटेंट आपके सामने लेके आने के लिए। हम फंडामेंटल्स देखने के लिए हम चलेंगे बहुत ही सिंपल वेबसाइट के ऊपर में, और वो वेबसाइट हमारी रहेगी screener.in। गाइस मैं बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं लेके आया जो आप खुद ना कर पाए, मैं चाहता हूं कि आप खुद सीखें। तो सबसे पहला नाम था हमारा BHEL। BHEL के पास चलते हैं और देखते हैं BHEL की बुक वैल्यू क्या है। तो BHEL की बुक वैल्यू है 73 रुपीज। कंपनी को लिक्विडेट कर दिया जाए, साइड डेट्स पे ऑफ कर दिया जाए, तो भी आपको 73 रुपीज एक शेयर होल्डर को मिलेंगे ही मिलेंगे। और कंपनी ट्रेड कर रही है 53 रुपीज के ऊपर में, अच्छा खासा डिस्काउंट है। 80 रुपए का हाई बना चुकी कंपनी, 43 रुपीज का लो बनाया था। और अगर आपको याद हो, हमने 2 साल पहले ये कंपनी आपको 28 रुपीज पे बाय करने को दी थी, वहां से इस कंपनी 80 रुपीज का जो हाई था, ये हमारा ही टारगेट था, एग्जैक्ट वहीं चला था, बिल्कुल वैसे ही। वो वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाके उसको देख सकते हैं। कंपनी फिर से 2 रुपए की है, कंपनी के ऊपर 5,000 करोड़ के डेट है और कंपनी के पास 6,335 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट है। मतलब कंपनी कर्जे में नहीं है, आप समझ लीजिए। कहीं ना कहीं कैश इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि डेट्स को वो
सरपास कर सकती है, डेट्स को खत्म कर सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में है, आरओसी भी माइनस में है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं है। तो फंडामेंटली आप सोचेंगे उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा कुछ एक्साइटिंग नहीं दिखाई दे रहा है, बट बीएचईएल अपने सेक्टर की अच्छी कंपनी है। ये कंपनी क्या करती है सब कुछ आपके सामने लिखाएगा, इस घर जाके इसको स्टडी कर सकते हैं। मैं पूरा थ्योरी आपको पढ़ने की कोशिश नहीं करूँ। 70% रेवेन्यू पावर सेक्टर से आता है, बाकी 30% इंडस्ट्री से आता है, जहाँ पे डिफेंस के लिए काम करती है, एरोस्पेस के लिए काम करती है, एनर्जी स्पेस में काम करती है। कंपनी बहुत ही वर्सेटाइल है, अच्छी कंपनी है, इसकी प्रेजेंस 6 कंट्रीज में है। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास में 16 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनको ये ऑपरेट करते हैं। कंपनी के पास आरएनडी फैसिलिटीज भी है और इंटेंस कंपटीशन के बावजूद भी कंपनी कॉम्पिटिटिव तरीके से बढ़ रही है। तो कंपनी की अगर सेल्स के ऊपर नजर डाली जाए तो सेल्स कंपनी के ऊपर में कम से कम 5,000 करोड़ की सेल्स कंपनी मैनेज कर रही है। मार्च 2020 में जहां 4,451 करोड़ की सेल्स थी, सोचिए जब पेंडेमिक आया था उससे पहले 3,696 करोड़ की सेल्स थी। जून 2020 में 1,991 करोड़ की सेल्स थी। वहीं दिसंबर 2021 एंडिंग में, सोचिए इस क्वार्टर एंडिंग में 5,000 करोड़ की सेल्स है। तो कंपनी जिसके पास धंधा है, सोच के देखिए, जिस कंपनी का बिजनेस है वो कंपनी ग्रो करेगी ही करेगी। जहां कंपनी लॉस कर रही थी वहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंपनी का 89 करोड़ का प्रॉफिट में दिख रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी प्रॉफिट में है। तो कंपनी कहीं ना कहीं काम कर रही है। गाइस चार्ट पे मैंने आपको 200 दिन का मूविंग एवरेज लगाया है और आर्ली चार्ट पे इस कंपनी ने एक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे दिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे 51 रुपीज के स्टॉप लॉस के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है। गाइस कोई भी खरीदने बेचने की सलाह आपको नहीं दे रहा हूँ, और ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर को भी चेक कर लेते हैं कि ये बीएचईएल के बारे में क्या सलाह देता है और क्या ब्रेकआउट के लेवल से आने वाले टाइम में क्या टारगेट्स हो सकते हैं। देखिए 49 के ऊपर ब्रेकआउट है, 56 का पहला टारगेट है, 64 का सेकंड, और तीसरा टारगेट 72 रुपीज का है। तो आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको सरप्राइज कर सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकार की इसमें डिसइन्वेस्टमेंट की नीति हमेशा से चलती रहती है, तो ये स्टॉक वहां भी फिट बैठता है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, दूसरा स्टॉक है इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, एफएनएक्स स्टॉक, हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी, दिग्गज कंपनियों में से एक कंपनी है। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस ने भी आर्ली चार्ट के ऊपर में 200 ईएमए को ब्रेक कर दिया है, एक ब्रेकआउट दिया है, और कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। तो मोटा मोटा ये 167 रुपीज के आसपास ये कंपनी चल रही है। पहले इसके फंडामेंटल चेक कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि इसकी बुक वैल्यू क्या है और हमें इसको वाकई लेना चाहिए या नहीं। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस दूसरी कंपनी, कंपनी की बुक वैल्यू है 328 रुपए की। अभी कंपनी ट्रेड कर रही है 167 रुपीज पे। कंपनी का आरओई और आरओसी भी पॉजिटिव है, ठीक है, 2 रुपए की फेस वैल्यू है। कंपनी के ऊपर जो डेट है 73,000 करोड़ का है, ठीक है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस की जो कंपनीज होती है फाइनेंस की कंपनी होती है, बट डेट होता ही होता है। बट कंपनी के पास कैश इक्विवेलेंट है 10,000 करोड़ के आसपास में, फेयर एनफ है, 7,800 करोड़ की एक कंपनी है। कंपनी के चार्ट पे अगर नजर डाली जाए तो कंपनी ने ब्रेकआउट तो आपको दे ही दिया है ऑलमोस्ट। यहाँ पे टीटीसी जो हमारा कह रहा है वो इसके बारे में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, गाइस अगर आप ये टीटीसी फ्री चाहते हैं, अगर आपको इसका फ्री एक्सेस चाहिए तो आपको हमारी टीम को कॉन्टैक्ट करना होगा, नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना होगा, आपको पूरा प्रोसेस आपको समझा दिया जाएगा। यहाँ पे 169 के ऊपर में एक फर्दर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट के आसपास ही है, और यहाँ पे कंपनी 200 रुपये तक जाती हुई दिखाई देती है आने वाले टाइम में। तो अपनी एनालिसिस करके ही ट्रेड ले, मैं आपको कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूँ। तीसरी कंपनी इस लिस्ट में है हमारे पास में कैनरा बैंक। अगर कैनरा बैंक के चार्ट को पहले देख लेते हैं, चार्ट क्या कहता है कैनरा बैंक का हमारा, ये देखिए कैनरा बैंक ने भी ऑलमोस्ट आर्ली चार्ट के ऊपर में 200 ईएमए को ब्रेक किया है, एक ब्रेकआउट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, 225 रुपए के आसपास में ब्रेकआउट है। पहले इसके हम देख लेते हैं कि क्या ये कंपनी वाकई अंडरवैल्यूड है कि नहीं है। कैनरा बैंक का जो बुक वैल्यू है 344 रुपीज का, अभी ट्रेड कर रहा है 240 रुपीज के आसपास में। जी हाँ, आरओसी 5.35%, आरओई 5.58%, कंपनी के पास में डेट भी है और कैश इक्विवेलेंट भी है, बैंक है, क्योंकि बैंक के पास तो कैश भी होगा और कर्जा भी होगा, दोनों ही चीजें होंगी। और ये जो चार्ट बहुत एक्साइटिंग है ही आपके सामने, और हमारे सामने टारगेट्स भी 210 रुपीज के आसपास में। तो कैनरा बैंक भी इस लिस्ट में हमारे पास बहुत अच्छे से शामिल होता है। कैनरा बैंक के बाद में हमारे पास जो चौथी कंपनी आती है वो है आरबीएल लिमिटेड। आरबीएल बैंक की हम बात कर रहे हैं। आरबीएल बैंक अभी 137 रुपीज के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और अगर आरबीएल बैंक को हम देख लें तो इसका चार्ट भी आपको ब्रेकआउट होता दिखाई दे रहा है। अभी तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था गाइस, ठीक है, आर्ली चार्ट के ऊपर में इसने ब्रेकआउट दे दिया है, और ब्रेकआउट दे दिया है, कंपनी अंडरवैल्यूड है या नहीं है वो भी देख लेते हैं। कंपनी के प्राइसेस क्या होने चाहिए, कहां तक हम इसको ले सकते हैं, 211 रुपीज़ की बुक वैल्यू है। अभी कंपनी ऑलमोस्ट 50% के आसपास मिल रही है, 137 रुपीज़ के आसपास में मिल रही है कंपनी। कंपनी के ऊपर में 74,000 करोड़ का डेट है, तो 13,000 करोड़ के क्रेडिट भी हैं, ये भी बैंक है, तो बैंक के पास में ये सब भी चलता रहेगा। 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो कंपनी
देखना होगा कि आने वाले टाइम में कैसे ये क्या ब्रेकआउट दे सकती है। और अगर हम यहाँ पे इसके टारगेट्स को देखने की बात करें तो आरबीएल बैंक का जो ब्रेकआउट है वो आता है 144 के ऊपर में, तो इसका ब्रेकआउट होने वाला है। अभी जो कंपनी का जो प्राइस चल रहा है 137 के आसपास चल रहा है, फिलहाल एक ब्रेकआउट कंपनी दे चुकी है, 130 से ऊपर निकल चुकी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस 144 का है। अगर इसको डिसाइसिव पार करती है तो मुझे लगता है 170 रुपये तक कंपनी जा सकती है। अगेन नॉट एनी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन, जस्ट माई ऑब्जर्वेशन विच आई एम शेयरिंग विद यू। लिस्ट में आरबीएल बैंक के बाद नाम आता है बैंक ऑफ बड़ौदा का। बैंक ऑफ बड़ौदा का हमारा बुक वैल्यू क्या कहती है देख लेते हैं। बैंक बड़ौदा, जी बैंक बड़ौदा की जो बुक वैल्यू 159 रुपीज की है कंपनी, ये भी ऑलमोस्ट 70% डिस्काउंट पे मिल रही है, 116 का करंट मार्केट प्राइस है। और चार्ट पे बैंक बड़ौदा कैसा दिखाई देता है देख लेते हैं। और बैंक बड़ौदा ने क्या ब्रेकआउट दिया है, बैंक बड़ौदा ने भी 102 रुपीज से ब्रेकआउट दे दिया, सेकंड टाइम टेस्ट किया 103 के आसपास में, और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट इस कंपनी का हो चुका है। जी हाँ, और ये अपने ऑलमोस्ट आर्ली हाई के पास में चल रही है और एक अच्छे खासे नए ब्रेकआउट की तैयारी हो रही है। 115 रुपये के आसपास में ये स्टॉक चल रहा है, और आने वाले दिनों में अगर ये स्टॉक ऐसे ही चलता रहा तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस होगा 121 के आसपास में, यहाँ से जब निकलेगी कंपनी तो कम से कम 150 रुपये के लिए कंपनी निकल सकती है। तो ये भी एक स्टॉक है जिसको हम रडार में रख सकते हैं अपनी एनालिसिस स्टडी करने के बाद में। बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद में हमारा जो नाम इसमें आता है वो आता है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। LIC हाउसिंग फाइनेंस को अगर देखा जाए तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ने भी ब्रेकआउट दिया है गाइस। सभी ब्रेकआउट के स्टॉक्स आपके लिए निकाल के रखा हूं, अपने स्टॉप लॉसेस लगा के ही ट्रेड लीजिएगा गाइस, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन आपसे नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे LIC हाउसिंग फाइनेंस की बात की जाए तो 424 रुपीज का शेयर अभी हमको मिल रहा है 372 रुपए के आसपास में, 542 रुपए का इसने लाइफ टाइम हाई भी लगाया था, 321 के आसपास का इसका लो भी रहा है। और ROE बहुत अच्छी रही है 14% के आसपास में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 8.13 के आसपास में है, और एक अच्छी बेहतरीन कंपनी है। मान के रखिए कि दिग्गज कंपनीज में से आती है, और अगर मान लीजिए LIC हाउसिंग फाइनेंस के अगर हम टारगेट लेके चलें इसमें, तो मेरे हिसाब से LIC हाउसिंग 361 के ऊपर में अच्छा खासा ब्रेकआउट देगा। ये ब्रेकआउट दे दिया है, 372 के आसपास चल रहा है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस 380 का अगर पार होता है तो 400-420 के लेवल आने वाले दिनों में बहुत अच्छे से देखने को मिल सकते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस के बाद में एक ऐसा शेयर जो बहुत दिनों से वेट कर रहा है दहाड़ने के लिए, चलने के लिए, फिर से सेलिंग मिल जाती है, वो है पंजाब नेशनल बैंक, देश का दूसरा सरकारी सबसे बड़ा बैंक। और ये आरए चार्ट पे इसने भी ब्रेकआउट दिया गाइस, बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है इसमें भी, और कहीं ना कहीं इसका ट्रेंड बदलता दिखाई दे रहा है। इसने अपने ऑलमोस्ट जो लो थे वो लगा लिए हैं, मेरे हिसाब से इसमें जो लो बनना था बन गया है। ये कंपनी अगर हमको एक्यूमुलेट करनी है तो हम इस कंपनी को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और पंजाब नेशनल बैंक की अगर वैल्यू की बात किया तो 84 रुपीस की बुक वैल्यू है, अभी 36 रुपीस में मिल रहा है। सोच के देखिए 50% से भी सस्ता ये शेयर मिल रहा है। बैंक है, दिग्गज बैंक है, देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है सरकारी बैंकों में से, और ये कंपनी मुझे एक बेहतरीन कंपनी दिखाई देती है मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ गाइस। यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो यहाँ पे 36 रुपीज़ के ऊपर ब्रेकआउट है, 30 रुपीज़ का सपोर्ट अभी ये लेके चला है। तो अगर आप देखना चाहें तो इस स्टॉक में जो पैनिक लो था 31 रुपीज़ के आसपास का था, तो यहीं से कंपनी ने चलना स्टार्ट किया, तो ये बॉटम मेरे हिसाब से बन चुका है। और आने वाले टाइम में पंजाब नेशनल बैंक सरप्राइज करे तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। चलिए, पंजाब नेशनल बैंक के बाद हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके ऊपर तो एक्सक्लूसिव वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, बट ये कंपनी भी दिग्गज कंपनी है, और दिग्गज कंपनी होने के साथ साथ में इसकी जो बुक वैल्यू 128 की है, 102 से चला है। इसके ऊपर एक्सक्लूसिव वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल, आप इसको जाके देख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे को स्टील अथॉरिटी भी एक ब्रेकआउट करता दिखाई दे रहा है, मान लीजिए 100 रुपीज़ के ऊपर इसका ब्रेकआउट है जो हो चुका है, ऑलमोस्ट हो चुका है, और यहाँ से 110-120 रुपये के आसपास की तैयारी। और बुक वैल्यू के ऊपर जब स्टॉक चलेगा तो अच्छी खासी इसमें एक बाइंग देखने को मिल सकती है। चार्ट बड़ा एक्साइटिंग मुझे लग रहा है, काफ़ी दिनों से मुझे एक्साइट कर रहा है। राकेश झुंझुनवाला जी का भी इसमें काफ़ी स्टेक है, और ये स्टॉक ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया, और ये स्टॉक आने वाले दिनों में लोगों को बहुत अच्छे सरप्राइज करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है इस स्टॉक का जो बॉटम बनना था शायद बन चुका है, और इसमें ट्रेंड बदलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। स्टील अथॉरिटी के बाद में अगला नाम PFC, जिसने लोगों को बड़ा थका दिया है। 255 रुपये की बुक वैल्यू है इस कंपनी की, 116 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, 50% से भी ज़्यादा सस्ता ये शेयर मिल रहा है। फाइनेंस कंपनी है, पावर सेक्टर में काम करती है, आप सब जानते ही हैं। और यहाँ पे अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो क्या इसमें भी हमको कोई ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है? यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकआउट होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, और ये आने वाले टाइम में इसका भी ट्रेंड बदलता हमें दिखाई देगा, मुझे ऐसा लगता है, आप अपनी स्टडी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे PFC हाल फिलहाल 116 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, और इसने एक ब्रेकआउट दे चुका है, तो 110 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ में इसको मैं होल्ड करना पसंद करूंगा। आने वाले दिनों में ये 150 रुपये के आसपास के दर्शन करे कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है। दिग्गज कंपनी है, अच्छी कंपनीज में है,
अच्छे भाव पे कंपनी मिल रही है तो अपनी स्टडी करके ही ट्रेड लेगा इसे। पीएफसी के बाद जो हमारा सेकंड लास्ट 10th शेयर जो इस लिस्ट में आता है दैट इज REC लिमिटेड, ठीक है। ये भी पावर सेक्टर से जुड़ा हुआ शेयर है और इसमें जो इसकी बुक वैल्यू 243 रुपीस की है, 10 रुपए की फेस वैल्यू 127 रुपए पे आपको मिल रहा है, तो बहुत ही अच्छे प्राइस पे। ROE इज 21%, ROC इज 9%, बहुत ही बढ़िया प्राइस पे ये स्टॉक मिल रहा है। 6900 करोड़ के आसपास में कैश इक्विवेलेंट भी है। और अगर चार्ट अगर देखा जाए तो REC का क्या ये हमें कुछ ब्रेकआउट देता दिखाई दे रहा है, ये देख लेते हैं। और REC के ऊपर भी हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है। 11 स्टॉक चुन के लाए हूं आपके लिए। आई होप अब तो वीडियो पसंद आ गया होगा। अगर ये मेहनत पसंद आ रही है तो एक लाइक प्रेस कर दीजिए गाइस, कमेंट कीजिएगा और कहां पे आपको स्टॉक चाहिए और कौन से स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए, कोशिश करूंगा आपको एनालिसिस देने के लिए। और गाइस जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कल दिन में 3 बजे, संडे है, कल संडे स्पेशल लाइव सेशन होने वाला है, दिन में ठीक 3 बजे आप आइएगा लाइव सेशन में। बहुत सारे स्टॉक्स एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, बाजार का वीकली रिव्यू करेंगे कि अब मार्केट कहाँ जा सकती है। तो कल खुद भी आएगा, अपने दोस्तों को भी लाएगा, ठीक 3 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। नोटिफिकेशन लेने के लिए आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए और साथ में टेलीग्राम से जुड़ जाइए जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आपको सभी लिंक्स सबसे पहले आपको अपडेट वहां पे मिले, ताकि आप हमेशा हमारे लाइव सेशन को टाइम पे ज्वाइन कर सकें, वहां पे सवाल कर सकते हैं, हमें स्टॉक्स पूछ सकते हैं, बहुत से लोग अपने स्टॉक पूछते हैं, आपका भी नंबर वहां पे आ सकता है। चलिए, REC लिमिटेड हमारा 10th स्टॉक था और लास्ट स्टॉक, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ONGC। ONGC की अगर बात की जाए तो 197 की बुक वैल्यू है, 168 के आसपास स्टॉक आ चुका है। और ये स्टॉक कैसा दिखाई देता चार्ट के ऊपर में, ये देखना बहुत ही बहुत इंटरेस्टिंग है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, बहुत ही दिग्गज कंपनी है। अगर इस कंपनी के लो को देखा जाए तो ये कंपनी देखिए कहीं अभी जहां से चली है, ये कंपनी बिल्कुल डाउन ट्रेंड में थी, पर डाउन ट्रेंड से ये स्टॉक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है और काफी दिनों से काफी अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है। 200 EMA के ऊपर ही है फिलहाल, ये स्टॉक 200 EMA के नीचे चल रहा है आर्ली चार्ट के ऊपर में, और कहीं ना कहीं इसका भी जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा, शायद अप ट्रेंड का स्टॉक है और ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। और ये कंपनी के अगर टारगेट्स की अगर हम बात की जाए तो ONGC के ऊपर में जो अब फर्दर ब्रेकआउट देखा जाएगा वो 169 के ऊपर, 2 रुपये के बाद इसमें एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट आ सकता है जो इसको 200 रुपये के आसपास बहुत अच्छे से लेके आ सकता है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट 11 स्टॉक्स विच आई सिलेक्टेड फॉर यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसी मेहनत कर सकूँ। और अगर आप भी सीखना चाहते हैं एनालिसिस, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की सोच से बाजार में आते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर्स का डिसिप्लिन क्या होता है, ऑप्शंस को कैसे ट्रेड किया जाए, ट्रेंड ट्रेडिंग कैलकुलेटर फ्री कैसे लिया जाए, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप हमारी मास्टर क्लास को ज्वाइन कीजिए और आज ही बुक कीजिए अपनी सीट्स को बाय पेइंग ओनली 5900 एज अ बुकिंग अमाउंट। रेस्ट पेमेंट आपको देनी होगी क्लास स्टार्ट होने से एक हफ्ते पहले तक। सीखिए तभी बाजार में आप कामयाब हो पाएंगे। किसी से भी सीखिए, हमेशा से कहता हूं, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो दिस इज द ऑफर फॉर यू, दिस इज द चांस फॉर यू। सी यू इन माय मास्टर क्लास ऑन 24th of April। Take care. Bye-bye. Jai Hind.